गाज़ापट्टी का इतिहास तो 1948 में इसराइल के निर्माण के साथ शुरू होता है, पर इस क्षेत्र के संपूर्ण इतिहास के लिए इसराइल का इतिहास देखा जा सकता है। 1948 में इसराइल के निर्माण के बाद यहां बसे अरबों के लिए आर्मिस्टाइस रेखा बनाई, जिसके तहत गाज़ापट्टी में अरब जो सुन्नी मुस्लिम हैं रहेंगे तथा यहूदी इसराइल में रहेंगे। 1948 से लेकर 1967 तक इस पर मिस्र का अधिकार था, पर 1967 की 6 दिनी लड़ाई में, जिसमें इसराइल ने अरब देशों को निर्णायक रूप से हरा दिया, इसराइल ने मिस्र से यह पट्टी भी छीन ली, जिसके बाद से इस पर इसराइल का नियंत्रण बना हुआ है। 2005 में इसराइल ने फिलिस्तीनी स्वतंत्रता संस्था के साथ हुए समझौते के तहत गजा और पश्चिमी तट से बाहर हट जाने का फैसला किया। साथ ही इसराइल ने गजा तथा पश्चिमी तट पर स्थित यहूदी बस्तियों को भी हटाने का काम शुरू किया। 2007 में हुए चुनाव में हमास ने इसकी सत्ता हथिया ली, जो इसराइल और संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों के अनुसार एक आतंकवादी संगठन है। हमास ने पश्चिमी तट पर स्थित अरबों से भी संपर्क तोड़ लिया, जो 1948 में इसराइल के निर्माण का ही परिणाम है और इस कारण गजावासियों से अब तक जुड़े हुए थे। 2009 का इसराइली हमला। 2008 में हुए संघर्ष विराम के बाद गजा से हमास ने कई रॉकेट हमले दक्षिणी इसराइल में हुए। इसराइल ने भी कई हमले गाजा में किए। 2008 के दिसंबर के आखिर में इसराइल ने गजा पट्टी में अपने नागरिकों की हमास त्यक्त रॉकेटों की हत्या के बदले में हमला किया था। इसराइल के 13 लोग मारे गए, जिसमें 3 नागरिक तथा 10 सैनिक थे, जबकि बदले में गजा के कोई 1300 लोग मारे गए। जनवरी में 22 दिन के बाद इसराइल ने एक तरफा संघर्ष विराम की घोषणा की। इसके बाद भी गाजा से रॉकेट दागे गए। इसके बाद इसराइल ने दोबारा सैनिक कार्यवाही की धमकी दी है।